हेलो एवरीवन, देखेंगे कि किस तरीके से एडीआर के जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व किया जाए, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। तो बहुत ज़्यादा चैनल का प्रचार वगैरह करने से कोई इशू मतलब यूज है नहीं। आप तो अपने सब्सक्राइब कर ही दोगे, वीडियो शेयर कर ही दोगे कहीं पे मन करेगा तो। और जहाँ पे कोई इशू हो आप प्लीज़ पूछा करो कि हाँ ये चीज़ समझ नहीं आया, अच्छा कमेंट बॉक्स में या उनके जितने भी वो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप कहीं भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी चलिए शुरू करते हैं, टेंशन नहीं लेना है, तैयारी होगी जम के। तो लास्ट बाकी है, 3-4 लेक्चर्स में खत्म आपका फिगर स्टडी। चलिए हम अच्छे दिख रहे हैं उधर, कोना में डाल दिया अपने आप को। हाँ बात करते हैं इसमें। सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास आता है कि इन अ केस रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन द आर्बिट्रल अवार्ड वाज लिमिटेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। द डेट ऑफ द अवार्ड वाज 1st जून 1992। द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 22nd अगस्त 1966। द वैलिडिटी ऑफ द अवार्ड कैन बी चैलेंज अंडर। आप कहाँ चैलेंज कर सकते हैं भैया? तो जहाँ आपको अवार्ड मिला है वहीं चैलेंज करिएगा, क्योंकि अवार्ड जो था वो क्या था वहां पे कि 1992 में था और यहाँ पे आया था भैया एक्ट 1996 में। तो उस समय आप कहाँ अवार्ड चैलेंज करिएगा? तो करिएगा भैया 1940 वाले में। इसके बाद बात करते हैं तो बोला गया कि भैया कौन सा मॉडल यूज हुआ इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमारे पास आता है यूनिसिट्रल मॉडल जो था 1985 में। इसी पे हमारा बेस जो था वो हमारा बना था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 टू कंप्रेहेंसिवली कवर द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, टू इंश्योर दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद इन द लिमिट्स ऑफ द कोर्ट ज्यूरिडिक्शन एंड टू मिनिमाइज द सुपरवाइजरी रोल ऑफ द कोर्ट इन द आर्बिट्रल प्रोसेस। तो यही है भैया कि सबसे पहला वही रोल था कि टू मिनिमाइज द सुपरवाइजरी रोल ऑफ आर्बिट्रेशन, सुपरवाइजरी रोल ऑफ कोर्ट इन द आर्बिट्रल प्रोसेस। अब ये क्यों था? अब अगर हम एक ऑब्जेक्टिव से एक काम कर रहे हैं कि भैया चलो एडीआर आ जाएगा तो हमारे पास बेनिफिट क्या होगा, तो एडीआर आ जाएगा तो ये बेनिफिट होगा कि कोर्ट पे बर्डन कम होगा। बट वहां पे भी हम कोर्ट को जब इतना रोल दे दे रहे हैं तो वो बर्डन कम नहीं होगा, वो बर्डन बढ़ेगा ही। तो उस सर्कमस्टांसेस में हमारा जो एक्ट था वो क्या किया कि उनका जो सुपरवाइजरी रोल था उसको मिनिमाइज किया। अब यहाँ जब हम बात करते हैं कि कोर्ट के पावर को कि पार्टीज में अगर हम बात करते हैं तो द पावर ऑफ द कोर्ट टू रेफर पार्टीज फॉर द आर्बिट्रेशन वुड एंड मोस्ट नेसेसरीली इंक्लूड इंप्लाई एंड इनहेयर इन इट। अब क्या क्या होता है तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे होता है कि आर्बिट्रेटर को आप अपॉइंट करते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके थे लेक्चर्स में कि आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन अपॉइंट करेगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, तो वो कोर्ट अपॉइंट करता है। इसीलिए आर्बिट्रेशन जो होता है एक इनफॉर्मल में भी फॉर्मल प्रोसीडिंग माना जाता है एडीआर में। अब हम बात करते हैं तो यहाँ बोला गया कि पार्ट वन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट अप्लाईज। कहाँ अप्लाईज होता है भैया? तो यहाँ पे पूरे होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, हमेशा याद रखना। अब यहाँ बोला गया कि एन आर्बिट्रल अवार्ड मेड अंडर पार्ट वन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट शैल बी कंसीडर्ड दैट। अब क्या होगा तो डोमेस्टिक अवार्ड होगा, ऐसे ये आप में नहीं आएगा, इतना अंदर तक बीच में नहीं जाएगा, तो इस पोर्शन को आप इग्नोर करना। अब बोला गया कि इन द मैटर्स गवर्न बाय द पार्ट वन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास चार हैं। सबसे पहला अ जुडिशियल अथॉरिटी कैन इंटरवीन, अ जुडिशियल अथॉरिटी शैल नॉट इंटरवीन अंडर सर्कमस्टांसेस, अ जुडिशियल अथॉरिटी कैन नॉट इंटरवीन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट एंड लास्टली इधर ए और सी। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है कि जुडिशियल अथॉरिटी कैन नॉट इंटरवीन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट। ये सब क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कितना डीप में आएगा। मैंने क्या किया है कि सीसीपी क्या है इसको, तो 20-25 क्वेश्चन हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मे भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, मे भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना डीप में मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल आएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग क्या क्या कॉमन करता है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं कब कॉमन करता है। तो बोला गया कि ऑन द डेट Which a request for a dispute to be referred to the arbitration received by the respondent. तो ये ऑप्शन यहाँ पे है कि भैया जब वो रिक्वेस्ट आप डिस्प्यूट के लिए करते हैं आर्बिट्रेशन में रेफर करते हैं और वो जब रिस्पॉन्डेंट के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है तब माना जाएगा कि भैया ये कॉमर्स एक्ट है। अब यहाँ पे बोला गया कि ये जो ऑब्जर्वेशन था प्रोविजन ऑफ 1996 एक्ट का, मतलब किस तरीके से वो अनइन्फ्लुएंस रहा भाई, जो 1940 का एक्ट था ये किस केस में बोला गया, मुझे नहीं लगता आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट आप देख लो। तो
सुंदर फाइनेंस लिमिटेड में, द वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर स्पेसिफाइड देयर इन एज द एक्ट डज नॉट सजेस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर फॉर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दिस वॉज लेड डाउन इन, अभी किसमें लेट डाउन किया गया था देख लो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, अब बोला गया कि आर्बिट्रेटर जो होता है वो क्या होता है, इट चूजन एंड पेज बाय डिस्प्यूटेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेटली चूजन प्रोसीजर सो फार एज दैट इज नॉट रिप्रेजेंट टू पब्लिक पॉलिसी ओनली ए इज करेक्ट एंड बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होगा भैया, तो आप देखो इसमें ऑप्शन तो आपको आएगा कि भैया वो जो होता है वो सब्जेक्ट मैटर से कनेक्शन होगा, यानी कि मेरा हाथ टूटा है आप पैर का पलस्तरा कर रहे हैं ये चीज नहीं है, माथा फटा है आप क्या कर रहे हैं भैया तो यहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं कहीं पे टाका लगा रहे हैं, ये सब चीज नहीं होता है। यानी कि जिस सब्जेक्ट मैटर का डिस्प्यूट है जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होगा वो उसी कनेक्शन में होता है। आर्बिट्रल अवार्ड कैसा होना चाहिए, क्या राइटिंग में होना चाहिए, में बस साइन होना चाहिए या ओरल होना चाहिए, तो यहाँ पे बोला भैया कि राइटिंग में होना चाहिए और जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मेंबर्स उसको साइन होना चाहिए, क्योंकि हम इसको एक डिक्री के तौर पे ही देखते हैं। अब डिक्री क्या है ये आगे पढ़ना होगा आप लोग, जब आप लोग पढ़ोगे सीपीसी। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होगा, तो भैया आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बहुत कुछ पूछ दिया गया, बोला कि भैया रीजंस बताएगा कि वो किस चीज पर बेस्ट है, यानी कि मान लो कि हम कुछ अवार्ड दिए, मान लो कि भैया कुछ डिस्प्यूट था लैंड से, अगर आर्बिट्रेटर जो थे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में गया मैटर, उन्होंने क्या किया कि वो डिस्प्यूट पे जजमेंट दिया, तो जजमेंट का रीजन तो दोगे क्या, किस बेस पे वो जजमेंट दिए हो, ताकि उसको भी पता रहे कि हाँ ये है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप बीच में एक दूसरे से कुछ डील किए हो। आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड में इट पार्टी शैल डिलीवर, अब यहाँ पे एक कॉपी उनको दिया जाता है साइंड कॉपी ऑफ द अवार्ड, भैया ये लो ये तुम्हारा कॉपी है, ओरिजिनल नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद बोला गया सम डायरेक्टेड टू बी पेड बाई एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल कैरी द इंटरेस्ट ऑफ, क्या इंटरेस्ट रहता है उस पे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आप देख लो 18% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अगर आज मैंने आपको अवार्ड के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोल दिया, आप दो साल बाद उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो पर एनम आप 18% के इंटरेस्ट दोगे, यानी कि ये बढ़ते जाएगा वहां पे। ये अच्छा चीज है, ये बहुत अच्छा काम करता है, हमको भी पता चल। फाइनलिटी टू आर्बिट्रल अवार्ड विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन ऑफ सेक्शन 35 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 शैल not be binding on parties, be binding on the government authorities, be binding on the first party only, and lastly be binding on the parties and the person claiming under them respectively। तो lastly वही होगा भैया कि भैया ये उसी पे binding होगा जो parties हैं, जो person है जो इसको claim कर रहे हैं, बाकी ये किसी government वगैरह पे क्यों apply होगा। And arbitral award shall be imposed in the same manner as if were a decree of, अब decree क्या होगा भैया, तो वही जो tribunal का decree होता है उसी तरीके से मैं आपको पहले भी बता चुका था कि decree ये तरह इसको ट्रीट किया जाता है। अब आर्बिट्रल अवार्ड इनफोर्सिएबल कब होता है, तो ये देख लो इधर ए एंड बी में आपका क्या है, जब एप्लीकेशन मेड किया जाता है, देन उसके बाद क्या किया जाता है, सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड को किया जाता है जब रिफ्यूजर, इस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा डीप में ईवीएम को नहीं लगता, क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट स्टेटमेंट, एन आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी इन्फोर्ड विथ if it is contrary to the substantive provision of the act or against the terms of the contract, an arbitral award can be set aside if the arbitral tribunal has not followed the mandatory procedure prescribed under the act, and arbitral award can be set aside if it is contrary to the fundamental policies of Indian law or the interest of India or the justice or morality, and lastly all the above, aap answer batana khud, all the above dekh liye nahi batana galat kaam। एंड अब आर्बिट्रल अवार्ड में कॉन्सिलिएशन कहाँ कवर किया गया, तो भैया कॉन्सिलिएशन आपका पार्ट 3 में कवर किया गया है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड जो है भैया यहाँ पे क्या किया जाता है कि पर्सन को फैसिलिटेट किया जाता है, और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन किसमें बताया जाता है, तो मीडिएशन में बताया जाता है, ये आपको पता ही है कि एक बीच में मीडिएटर का जो काम है क्या किस तरीके से काम करता है वहां पे। अब मीडिएटर शुड नॉट हैव विच द फॉलोइंग क्वालिटी, तो भैया जो मीडिएटर होना चाहिए वो प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए। प्रिजुडिस का मतलब भैया कि मान लो कि हम किसी के बीच में गए मीडिएशन कराने के लिए दो पर्सन में, और हम पहले ही से प्रिजुडिस है कि यही आदमी सही होगा, तो देखने से चोर लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो देखने से हो सकता है चोर लग रहा है लेकिन है नहीं, असली चोरी हुए, तो हमको प्रिजुडिस नहीं होना है वहां पे।
अब यहाँ पे बोला कि भैया कौन सा मैटर जो होता है वो एडीआर में नहीं जाएगा, तो क्रिमिनल केसेस के मैटर में जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल में केसेस के मैटर थोड़ा पीटी क्या होते हैं, ग्रेवियस होते हैं, और उसके लिए एक प्रॉपर जजमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी निर्दोष को फांसी से भी बचाना है और किसी दोषी को सजा भी दिलाना है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा उसको देखा जाता है। चलो ये नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूट्रल थर्ड पार्टी क्या होगा, असिस्ट करता है डिस्प्यूटिंग पार्टीज को सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट में, तो किस में आता है भैया, तो मीडिएशन में आता है। न्यूट्रल थर्ड पार्टी आप जानते ही हो। अब मीडिएशन को क्या बोला जाता है, तो मीडिएशन को भैया यहाँ पे हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर सर्टेन काइंड ऑफ डिस्प्यूट अप्रूव्ड बाई द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन बताता है कि हाँ ये डिस्प्यूट मीडिएशन में जा सकता है ये। अब ऐसा नहीं है कि हम मीडिएशन कर रहे हैं क्रिमिनल में, कोई किसी का मर्डर कर दिया, हम उस घर पर बैठ के सुनिए छोड़िए महाराज बंदूक बंदूक हटाइए आप भी इधर आइए, अब हो गया मर्डर हो गया, तो ये चीज नहीं आप कर सकते हैं। तो वहां पे कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग कब एंड होता है, तो आप देख लो ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। एडीआर किसको हम कहते हैं, तो ऑटोमेटिक डिस्कवरी रिस्पॉन्स को शायद कहते हैं, या ऑप्शन में आप ही बताइएगा, इसे तो आ ही जाएगा कि ऑप्शन भैया सी सही है, बी या सी भी बोल सकते हैं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हम बोलते हैं, लेकिन अगर उसको असली बोलते हैं तो ऑप्शन सी होगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो बस आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम भी रिकॉर्डिंग कल करेंगे।